गुलाल रियल टाइम्स कहे सच्ची बात हमेशा सच के साथ। गुलाबराव करंजले पाटिल प्रतिष्ठान और रोज फाउंडेशन के छात्रों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुलाबराव करंजले पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। गुलाबराव करंजले पाटिल प्रतिष्ठान अंबरनाथ एक ऐसी संस्था जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, फिर वो चाहे पढ़ाई हो या कोई हुनर, जैसे टेलरिंग, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर, टेक्नीशियन, ऐसे कई कोर्सेज की शिक्षा दी जाती है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इस प्रतिष्ठान के संचालक गुलाबराव करंजले पाटिल द्वारा किया जाता है। गुलाबराव करंजले जो गरीबी रेखा से उभर कर ऊपर आए हैं और अंबरनाथ उल्लासनगर कल्याण डोंबिवली में छाए हुए हैं। गुलाबराव बचपन से ही शिक्षा और हुनर की कदर करते आए हैं और वे चाहते हैं कि सभी शिक्षा और हुनर के साथ आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए ही उन्होंने गुलाबराव करंजले पाटिल प्रतिष्ठान के तहत और रोज फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और हुनर के क्लासेस चलाने में अपना योगदान करते आए हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनके छात्रों और अध्यापकों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा से अच्छे नंबरों से पास आए हुए छात्रों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया, छात्रों को प्रमाण पत्र बांटे गए। सभी अध्यापक, छात्र और उनके पेरेंट्स इस कार्यक्रम के दौरान खुश नजर आए। आइए और जानते हैं गुलाबराव करंजले पाटिल से इस प्रतिष्ठान के बारे में। अंबरनाथ मध्ये गुलाबराव करंजले प्रतिष्ठान आणि रोज फाउंडेशन यांच्या वतीने साधारणतः 2 वर्षापासून स्किल डेव्हलपमेंटचे जे कोर्सेस चालू केले, त्याच्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी इतका म्हणजे फर्स्ट क्लासमध्ये मार्क मिळवलेले आहेत, काही फर्स्ट क्लास झालेले आहेत आणि काहींना ब्युटिशियन म्हणा, टेलरिंग म्हणा, इलेक्ट्रिशियन झालं, असे अनेक कोर्सेस या प्रतिष्ठानने त्यांना दिले आणि त्याबद्दल आज सगळ्या विद्यार्थ्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये नृत्यकलासुद्धा करण्यात आलं, असे अनेक कार्यक्रम आज या ठिकाणी पार पडले आणि मी सर्व विद्यार्थ्यांना आज मी शुभेच्छा देतो की आयुष्यामध्ये त्यांनी खूप खूप प्रगती करावी, जेणेकरून हे जे शिक्षण घेतलेलं आहे त्याचा कुठेतरी त्यांचा सदुपयोग होईल आणि आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभा आहोत। किती जरी ते लहान मोठे असतील तरी आम्ही त्यांना आयुष्यभर मदत करत राहू आणि त्यांच्या आमच्या आज आमच्यातर्फे या कार्यक्रमाला अंबरनाथ शहराचे शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख पुरुषोत्तम उगले साहेब हे सुद्धा उपस्थित राहिले आणि त्यांनी सुद्धा या मुलांना आशीर्वाद दिले, तर मी या मुलांना परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो।